ऐसे उम्मीद करता तो बहुत वधिया गल हो जी। अज फिर जनाब वही पूरे भार ना जनाब असं पिंड वाला माहौल बना लगे, बार फिर चुल्हा बनावांगे तो जनाब फिर रैसपी बनेगी। अज जनाब बनेंगे पूरे भार दे नाल चावल, तो चावल जिहड़े बनाएंगे वह भी तुहानूं दस्सदे कि असीं की बनाउण लगे जी। लो जी फिर हुण रैसपी शुरू करदे आ जनाब पूरे तरीके नाल। होर चुल्हा बनावांगे वह मैं तुहानूं अनकरीब ही जनाब पूरे भार नाल सरप्राइज़ देवांगा, जिहड़ा परमानेंट भार बनेगा अपना चुल्हा। इस गोदे उत्ते जनाब फजे दे पावे सुबह सुबह चढ़न करनगे, जनाब नाश्ता होया करेगा फजे दा पावे ते नाल पुड़ियां। साडे इत्थे जिहड़ा नीदरलैंड च इक शहर आ स्टेफोर्स, स्टेफोर्ड लाहौरी लोग बहुत इत्थे रहिंदे आ जनाब पूरे भार नाल। और लो जी साडे काफ़ी इत्थे पाकिस्तानी आले दुआले रहिंदे आ। लो जी हुण फिर असीं रैसपी शुरू करदे, तो अग जलाने आ इहदे विच, नहीं अग बुझ गई फिर बालदे आ जी। लो जी पतीला असीं रात आ अग थले बालीए, जरा तेल असीं पा दित्ता अग, जिवें कि जनाब साडी बल चुकी है तो तेल गर्म होने का जरा थोड़ा इंतजार करते, फिर इस अगला प्रोसीजर तुम दस दे। प्याज आ चुके पूरे भार ना, तो हम असी दो प्याज कट लीए भाई जी, तो फिर तुम दस दे अगला प्रोसीजर। जिवें कि नाल ही असं प्याज कटे आ, तो हूँ असी टमाटर भी कट लीए, दो टमाटर कटांगे। इस तरीके ने जिदा प्याज कटी देंगे ना, वेखो इस तरीके ने असी टमाटर की शेप ना जनाब पूरे भार की इन्हें शेप कर देंगे, ये शेप ना कट देंगे। ठीक हो गया, बहुत अखा च पै रहा पूरे भार के नाल। लो जी असी जे प्याज जो कटे से वह हमें पा रही, तेल साडा पूरे भार ना गर्म हो चुके। लो जी हूँ असी तेल पा रहे और असी वेट करांगे ब्राउन होने का, फिर तुम दसांगे अगला प्रोसीजर। जनाब पांच सात मिर्चा भी असी पा लेंगे पुलाओ के, चिकन पुलाओ च अच्छा लगता तुहानूं क्या सरप्राइज़ दसांगे अज बना लगे चिकन पुलाओ। तो और चिकन पुलाओ दियां जनाब असी मिर्चा पावांगे जनाब, इन्हां दियां पूसां कट्टांगे, जिहड़ियां हुंदियां ने पूसां, पूसां कट के साबत ते रखनी है। ठीक है, असीं पंज सत्त पा लईआं जी। ठीक जनाब पूरे भार नाल साडे कोल गोश्त आ चुक्या, मुर्गी दा दोस्त गोश्त कहिंदे। अज पूरे भार नाल थोड़ा थोड़ा ततली भी बोली जाएगी रैसपी जी, नहीं मगर सही बोलांगे जनाब पूरे भार नाल, खुदा ने अच्छी जबान दित्ती, नहीं बोलना चाहिए, ये वाकई सही गल आ। तो लो जी आ गया साडा पूरे भार दे नाल गोश्त, दो किलो गोश्त मुर्गी दा, दादी कहिंदी हुंदी गोश्त, गोश्त नूं गोश्त कहिंदी हुंदी, ते वैसे चलो अज दादी भी याद आ गई। ठीक हो गया जी। लो जी फिर हुण असीं चावल नूं इवें तरह जनाब साडे कोल जिहड़ा ना पूरे भार नाल दो किलो चावल आ चुके आ, ते हुण असीं इहनूं अच्छे तरीके नाल जिहड़ा धो लईए। ठीक हो गया चावलां नूं। लो जी जिवें कि प्याज साडे गंढे जिहड़े ना वेखो फ्राई हो चुके, देखो किड्डे प्यारे चैक करो नज़र आ रहे, इसलिए अज जरा ना बाहर थोड़ा ही कर रहे हैं काम, इस वजह तो नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा, धुप भी बहुत ज़्यादा पई हुई ना, तो बैठे भी बस थोड़ी देर मूढ़ा लिया ना, फिर उ बैठेगा भाई और तुम सही क्लीयर नज़र आएगा मूढ़े। असी ब्राउन हो गए साढ़े गंढे, तो हम असी चार चम्मच जड़े ना अदरक लहसुन का पेस्ट आ साढ़े को पावे। लो जी चार चम्मच हम जनाब मुर्गी पा लीए, तो हम अच्छी अच्छे तरीके ने पूरे भार के नाल फ्राई करांगे। हर एक रैसपी से जनाब पूरा भार लाजमी हुंदा वा, इसलिए पूरे भार ना बनती है, तो हम असी सारा चिकन पा के ना इनू अच्छे तरीके ना फ्राई करा, अच्छे तरीके ना हर एक चीज़ फ्राई हो तो मज़ा आना। इनू असी फ्राई करांगे हर एक चीज़ जी फ्राई करनी, तो फ्राई करन लगे भी बड़ा तरीके ना अपना खर्चा जहा फेर इसलिए कि गोश्त जरा टुट ना जाए। पूरे भार ना जनाब दादड़ फादड़ मिर्च पा लाँगे, और दादड़ फादड़ मेरे असी जनाब चार चम्मच ना पावे जी, इसलिए कि मिर्च सानू ना अच्छी लगती पूरे भार में स्पैसी मिर्च हो गए जी। लो जी डेढ़ चम्मच असी हल्दी का पा लाँगे, तुम दसा कि जिन्ना साढ़े को गोश्त आ चावल आ उस हिसाब ना असी सारे मसालेदार पावे जी, डेढ़ चम्मच। लो जी अगे दो चार चम्मच जिदा दादड़ फादड़ दे पाए, तो हुण असी दो चम्मच इहदे पा देंगे। लो जी ठीक हो गया, दो चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई। लो जी चार चम्मच असी जीरा पा लेंगे। ठीक हो गया, ते आ चुके आ ले हले कुछ मसाला जात पिछे रह गए, वह भी असी सिट लाँगे। इसलिए कि अग साढ़े को जी बहुत तेज हो गई है, तो थोड़ी अग मैं घटाई है, इसलिए कि जरा हम अच्छे तरीके ने मसाला जात भी भोनी ला लीए। बिरयानी का जो मसाला आ चुका लजीजा मसाला, लवीजा मेरे पप्पो का नाम है, तो लजीजा यह जनाब मसाले का नाम है, तो असं जनाब पूरे भार ना पा लाँगे एक पूरा पैकेट, यह देखो पूरा पैकेट एक पैकेट आना असं बिरयानी का पूरा पैकेट असं सिट लाँगे, ताकि अच्छे तरीके ने जो सू
जायका आ सके बिरयानी का। लो जी हुण असीं मिक्स कर लईए पूरे भार ना पावांगे जी। ये राजा जी सारे मसालियां दा सरदार। लो जी पांच पूरे हो गए। नमक नमक दे जिहड़े चम्मच असी पांच पाए है जी। एक लीटर जिहड़ा साडे कोल पानी दा जग है एक लीटर पूरा, ये असी जनाब तीन लीटर दे विच पानी पावांगे। जिवें कि पूरे भार नाल साडे चौल जिहड़े धुप गए और भे के रखे सी इन्हां नूं वो भी आ चुके, तो हुण असी अपने चावल जिहड़े ना रैसपी च पा लईए। ये भी पूरे भार नाल पावांगे जिवें कि अगे पूरे भार नाल धुंदा ही सी, हुण तां धुंद जिहड़ी चल गई आ ते हुण असीं चावल पा ले आ ते हुण जनाब असीं अच्छे तरीके नाल थोड़ा जिहा मिक्स करांगे। इन्ना नहीं करना कि चौल जिहड़े तुहाडे टुट ना जाण, बस हल्का जिहा मिक्स कर लिया। हुण असीं इहनूं जनाब फिर बंद कर देंगे ता कि अच्छे तरीके नाल जिवें कि जनाब रैसपी च पूरे भार नाल धुंद पै चुकी है, मगर असीं आ मसाले जिहा सुट्टणे। चलो धनिया ते जनाब सरगो पुदीना है ते नाल नींबू दे उपर सुट देंगे, फिर इहनूं ला देंगे दम। लो जी हुण असीं उपर सारी डेकोरेशन कर ली है, शायद आई थिंक तुहानूं डेकोरेशन नज़र आ जाए। इस दी किधर ना बहुत ज़्यादा धुंद पै चुकी है विच, ऐ हुण असीं स्लैस जनाब नींबू दे भी सुट लाँगे, चारों तरफ घुमा देंगे ता कि अच्छे ना खुशबू आ सके। लो जी मित्रों जनाब असीं ते भार पुलाया बनाने पुलाओ और जनाब एक होर रैसपी बनन लगे आ आए, मगर नमकीन सी जी कह रहे अज जरा साढ़े एक फ्रेंड आए वो कहंदे जी नाल मतंजन भी बनाओ, इसलिए कि फिर हुण नाल मतंजन भी बनन लगा। लो जी जिहड़ा साडे कोल मतंजन लई जनाब एक किलो चावल और दो लीटर पानी असीं पाया जी। ये अच्छे तरीके नाल जिहड़े धोते हुए चावल और चावल देखो जनाब पूरे भार नाल देखो किहड़ा किहड़ा वड्डा चावल बना। एक रैसपी दिया सी हुण एक दोस्त आया सी, उह कहिंदा जी मतंजन दी रैसपी बनाओ, तो ठीक है उहनूं एंड ते जनाब खवा के और इंटरव्यू भी उहदे कोल लवांगे कि कैसे बने। जनाब मतंजन दा ना पूरे भार नाल मलवा साडे कोल आ गया, उपरां चिट्टी सौ गई आ काली सौ गई आ ते ए नाल बदाम आ जी, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਟੰਗ ਕਾਲੀ ਸੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਰੀ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਦੀ ਗਿਰੀ ਵੀ ਗਿਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤੰਜਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉੱਗ ਧੂਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਨਾ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸਵਾਹ ਸਵੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਉਗਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਰ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਕੁਛ ਲਾ ਤੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚੌਲ ਤਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ 'ਚ ਉਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਹਾਂਗੇ ਚੌਲ, ਇਹਦੇ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਮਗਰ ਹੁਣ ਰੈਸਪੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮਗਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਸ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਸ ਨੇ। ਗਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਓਇਲ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਓਇਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚਾਵਲ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੱਡੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸੱਜ ਮਸਾਨ ਮਤੰਜਨ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਫਿਰ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਵੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਲਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕਲਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਪਾਇਆ, ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲਾ ਔਰੇਂਜ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਕਲਰ। ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਕਨ ਪਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤੰਜਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਤੰਜਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਨਾਬ
पूरे भार पुछते। हाँ जी दसो जी मित्रों, जनाब चिकन पुलाव तो खा लिया, हम मतंजन भी पुछते हैं जी कैसा बनया जी। चलो जी फिर डिश आउट कर दे, मतंजन साडा तैयार हो गया, हम अबू जी ने चेक कराने पुछते कैसे बने जी। जनाब चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो और बैल का बटन ना दबाना भुले, और जाते जाते अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, आराम करो, बहुत ज्यादा प्यार लो, तो और जनाब कोरोना तो पूरे भाव ना बच करो, जिदा कि पूरे भाव रेसिपियां बनाते। गुड बाय।